हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एंटरटेनमेंट हमें। तो आज के 10 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। तो आज का हमारा है पहला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले को मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी फरीदाबाद। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? ऑप्शन ए जी इस खरपड़े, ऑप्शन बी सी एफ एंड्रूज, ऑप्शन सी चितरंजन दास, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास अब से 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी सी एफ एंड्रूज। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी या ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए कोंकणी। आज का हमारा 4th क्वेश्चन, पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? ऑप्शन ए एस सुल्तान अहमदी, ऑप्शन बी वी एच जैक्सन, ऑप्शन सी जे जी जेनिगस, ऑप्शन डी स्टीव वर्ट मैकफर्सन। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जे जी जेनिगस। इसका हमारा है 5वां क्वेश्चन, पंजाब का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी फिरोजपुर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी गुरदासपुर। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लुधियाना। तो आज का हमारा 6वां क्वेश्चन, हरेला क्या है? ऑप्शन ए स्थान, ऑप्शन बी त्यौहार, ऑप्शन सी सब्जी, ऑप्शन डी फल। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी त्यौहार। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी वैष्णव धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म या ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी शैव धर्म। क्वेश्चन नंबर 8 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह या ऑप्शन डी 12 माह। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? ऑप्शन ए जावा मनुष्य, ऑप्शन बी क्रो मैगनन मनुष्य, ऑप्शन सी नियंडरथल मनुष्य, ऑप्शन डी पैकिंग मनुष्य। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी क्रो मैग्नन मनुष्य। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका लास्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का तीसरा युद्ध, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन है बक्सर का युद्ध। तो ये थे आज के हमारे 10 जीके क्वेश्चन और उनके आंसर। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा और कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे।
तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।